देखिए आज का टॉपिक है लॉजिक रिएक्टर। जुपिटर लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट जो है ये गेट्स हम कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन आर एंड और नॉट को हम कैपिटल लेटर में ही सिर्फ लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिक गेट क्या होता है। तो लॉजिक गेट तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वह सिस्टम है जिसमें एक या एक से अधिक या दो से अधिक इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कंप्यूटर के माध्यम कंप्यूटर में किया जाता है। तो आर गेट में सबसे पहले देखते हैं दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस, दो या दो से अधिक इनपुट डिवाइस। अब यह इनपुट डिवाइस जो होता है वह जीरो और वन के फॉर्म में होता है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है y बराबर a प्लस b, या मैक्सिमम हो तो a प्लस b प्लस डॉट 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 करके n तक ले जा सकते हैं। अब टारगेट के लिए जो सर्किट डायग्राम होता है वह पैरेलल सर्किट की तरह होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यह मान लीजिए ये हो गया, ये B हो गया और दोनों का यह मिला के यहाँ पर Y जो है यह आउटपुट है और ये A जो है इनपुट सिग्नल है और B भी इनपुट सिग्नल है। तो परिभाषा के आधार पर यह कहा जाता है कि दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल्स को जब हम परिवर्तन करके आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं तो यह आर गेट के अंतर्गत आता है। और इसके फार्मूला में हमने यहाँ पर यह दिखाया कि a y बराबर a प्लस b प्लस डाटा n। अगर हम मान लीजिए डाटा की बात करते हैं तो अगला इनपुट सिग्नल और दिखा दिया जाए तो इस तरीके से बन जाएगा, उससे ज्यादा दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो यह हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। सिंबल की बात करते हैं तो आर गेट का सिंबल ए बी हो गया वाई। यह सिर्फ दो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच का सिंबल है। अगर हमें यन तक का दिखाना पाथ दिखाना है तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये आगे का यन फॉर्म तक का इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल परिवर्तन करने का सिंबल है। अब हमने आपको दो चीज बताया, फार्मूला बताया, सर्किट डायग्राम बताया और सिंबल बता दिए। अब बात करते हैं सत्य सारणी की, यानी ट्रुथ टेबल। सिर्फ दो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच की बात करते हैं, ये हो गया ए सिग्नल, ये हो गया बी सिग्नल और ये आउटपुट। तो यहाँ पर जीरो जीरो पर यह देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जीरो जीरो पर आउटपुट देख लीजिए, फिर से फिगर हम बना दे रहे हैं सर्किट डायग्राम का। अगर मान लीजिए यह ए है यह बी है, दोनों ओपन अवस्था में यानी दोनों जीरो जीरो है तो आउटपुट क्या होगा, यह आउटपुट जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए ए ऑफ अवस्था में है, बी
ऑन अवस्था में है यानी कि यह सर्किट क्लोज कर दिया गया तो आउटपुट क्या होगा। तब यहां पर इन दोनों के बीच में अगर हम सर्किट देंगे तो यहां आउटपुट पर सर्किट आएगा, सर्किट क्या होगा क्लोज हो जाएगा। तो यहां पर y में क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। अगर b को ओपन कर दिया जाए और a को क्लोज कर दिया जाए तब क्या होगा, देखिए यहां पर क्लोज कर दिया गया और b को ओपन कर दिया गया तब भी सर्किट रन जाएगा तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इसी तरीके से दोनों इनपुट ऑन अवस्था में रखा जाए तब आउटपुट क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। और इसी तरीके से अगर हम एक से अधिक दो से अधिक सिग्नल की बात करते हैं ट्रुथ टेबल के लिए, अब यह भी देख लीजिए यह ए, ये बी, ये सी और ये वाई, यानी कि यहां पर जो है आउटपुट किसको कर लिया जाए, ये बी के लिए फॉर्म भर दीजिए, ये इतना क्या है मेरा इनपुट है। तो ये इनपुट टेबल की बात करते हैं, यहां पर इनपुट भी कर लिया जाए तब देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए चार सिग्नल हमने दिया हुआ है तो चारों के बाद एक मान जीरो रख लेते हैं, चार फॉर्म के लिए जीरो इसको रख दिया, इसमें दो जीरो रख दिया, इसमें सिंगल जीरो रख दिया और इसमें एक एक बार सभी ओपन कर लेते हैं सिग्नल्स को, सभी ओपन सिग्नल रहेगा तो क्या है जो पहला सर्किट है यहां पर आउटपुट हमें जीरो प्राप्त होगा। तो यहां पर जीरो प्राप्त कर लिया। अब मान लीजिए ए बी सी तीनों ओपन अवस्था में हैं, सिर्फ डी को क्लोज किया तब क्या होगा, आउटपुट पर हमें सिग्नल पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि यहां से डी वाले सिग्नल से सर्किट क्लोज हो रहा है। अब इस तरीके से अगर इसको ओपन कर दिया जाए, सी को क्लोज कर लिया जाए तब क्या होगा, तो बी यहां पर क्लोज प्राप्त होगा यानी कि सर्किट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी को क्लोज करते हैं, बाकी सभी को ओपन कर लेते हैं तो भी यहां पर क्लोज सिस्टम प्राप्त होगा। अब आइए सिर्फ ए को क्लोज करते हैं, बाकी सभी को ओपन कर लेते हैं तब आउटपुट हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोज प्राप्त होगा। ये ओपन है, यह भी ओपन है, यह भी ओपन है, यहां पर इस समय क्लोज है यानी कि यहां से सर्किट ओपन और ब्रेक पर सॉरी क्लोज हो रहा है तो आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त होगा। इसी तरीके से अगर दो दो सिग्नल लेके चलेंगे तो भी वह चीज क्या होगा, क्लोज सर्किट क्लोज मिलेगा। लास्ट पोजीशन में यह देखते हैं कब हमें यहां पर सर्किट क्लोज नहीं होगा, जब चारों सर्किट ओपन अवस्था में रहेंगे तब आउटपुट जीरो प्राप्त होगा और जब एक एक को किसी एक से कर सर्किट क्लोज करेंगे तो आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त होगा। और अगर सभी आउटपुट सभी इनपुट सिग्नल क्लोज अवस्था में है तो भी क्या होगा, इनपुट क्लोज आउटपुट क्लोज अवस्था में प्राप्त होगा। ये ट्रुथ टेबल बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हमने आपको साफ में बता दिया। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जब सर्किट आउटपुट कब ओपन अवस्था में रहेगा, जब सभी इनपुट सिग्नल्स ओपन अवस्था में रहेगा तो आउटपुट पर सिग्नल प्राप्त नहीं होगा, किसी एक भी सर्किट से क्लोज कॉन्टेक्ट मिलेगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमारा क्लोज वहां पर सिग्नल क्लोज मिलेगा। अब बात करते हैं एंड गेट की। तो एंड गेट के लिए जैसे कि हमने आपको परिभाषा बताया था, आर गेट में
कि जो इनपुट सिग्नल्स होते हैं वो पैरेलल अवस्था में होते हैं, लेकिन एंड गेट में क्या होता है वो सीरीज अवस्था में रहता है। इस तरीके से मान लीजिए हमने आपको दो सर्किट दिखा दिया है, ए और बी दो सिग्नल लगे हुए हैं, यहाँ पर आउटपुट वाई प्राप्त हो रहा है, तब यह इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट हो गया, ये क्या है हमारा सर्किट डायग्राम है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा y बराबर a इनटू b, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर n टर्म से हो तो डॉट करके n भी कर लेंगे। अब सिंपल की बात करते हैं तो दो सिंपल दिखा दिए, a ये हो गया b। अब देखिए इसका ये इनपुट सिग्नल है, ये आउटपुट सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल है, ये इस रेशियो में है, ये सिर्फ दो इनपुट सिग्नल के लिए है। अगर यह टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हम सिग्नल को दिखा देंगे, इससे यह सम्मिलित हो जाएगा कि यह टर्म का सिंबल है। अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो देखिए ट्रुथ टेबल सिर्फ दो इनपुट सिग्नल के लिए, इनपुट सिग्नल ए बी और आउटपुट वाई, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोनों इनपुट को ओपन करके, तब यह ओपन अवस्था मिलेगा, एक ओपन दूसरा क्लोज जब रहेगा तो काफले में रखते हैं a into b यानी 0 into 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अगर a को क्लोज करते हैं b को ओपन रखते हैं तो भी फार्मूला करते हैं 1 into 0 यानी 0। अब दोनों में क्लोज अवस्था रखते हैं तो 1 into 1 यानी कि 1 होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब एंड गेट के लिए, एंड गेट में जब दोनों सर्किट ओपन रहेगा तब आउटपुट नहीं मिलेगा, यदि एक भी ओपन रहेगा तो भी आउटपुट पर सिग्नल नहीं मिलेगा। जब अब ऐसी अवस्था में कब जब दोनों सर्किट के दोनों सिग्नल्स क्लोज अवस्था में रहेंगे तब आउटपुट क्लोज अवस्था में मिलेगा, यानी कि आउटपुट में सिग्नल्स जाएंगे। यदि एक से अधिक दो से अधिक सिग्नल की बात करते हैं तो देख लीजिए, यह मान लीजिए सी हो गया, यहाँ पर वाई कर लीजिए, ये आउटपुट कर लीजिए, यहाँ तक इनपुट सिग्नल कर लीजिए, या जब तीनों जीरो रहेगा यानी कि ओपन अवस्था में रहेगा तो भी इनपुट सिग्नल क्या होगा ओपन रहेगा। यदि इसमें बी केवल ओपन क्लोज अवस्था में है तो भी आउटपुट सिग्नल पे सिग्नल्स नहीं मिलेंगे, यदि ए क्लोज अवस्था में है तो भी नहीं मिलेगा। यदि एक ऐसा कंडीशन देखते हैं जब ए बी सी तीनों क्लोज अवस्था में है तब आउटपुट पर क्लोज कॉन्टैक्ट प्राप्त होगा। लॉजिक गेट्स में दो गेट की हमने बात कर लिया, आर गेट एंड गेट, अब तीसरे गेट की बात करते हैं, तीसरा गेट होता है नॉट गेट। इस नॉट गेट में सिर्फ एक इनपुट सिग्नल होता है और एक आउटपुट सिग्नल होता है, जो कि इसको बिलोंग लॉजिक गेट्स भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल, यह अगर इनपुट सिग्नल ओपन अवस्था में है तो आउटपुट इसका क्लोज प्राप्त होगा, यदि इनपुट क्लोज अवस्था में है तो आउटपुट ओपन प्राप्त होगा। यह हो गया हमारा ट्रुथ टेबल। इसके बाद फार्मूला की बात करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा ए बराबर वाई पर बार,
ये हो गया तार बोला। सिंबल की बात करते हैं तो ये सिंबल है नाट का। इधर हो गया इनपुट,